कि प्रेक्षा ध्यान की पद्धति अपने आप में एक पूर्ण पद्धति है। ध्यान का संभवतः कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो प्रेक्षा ध्यान से छूट गया हो। इसमें डीप रिलैक्सेशन है, कायोत्सर्ग है, जहां जाकर के हम अपने अंतर्मन से संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें अंतर यात्रा है, जहां स्पाइनल कोड के अंदर हम यात्रा करके, जहां स्पाइन में हमारी पूरी की पूरी एनर्जी स्थापित है, वहां यात्रा करके उस स्पाइन को पूरा को हम जागृत करते हैं। यहां चैतन्य केंद्रों की प्रेक्षा है, अन्य प्रयोगों में जहां उनको चक्र कहा जाता है, जो कि हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, उन हरेक ऊर्जा के केंद्र के ऊपर ध्यान किया जाता है। उन केंद्रों के ऊपर रंगों के साथ ध्यान किया जाता है। रंग हमारे शरीर के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। हमारा आभा मंडल रंगों से बना हुआ है। जैसे हमारे मन के भाव होते हैं, वैसा हमारा आभा मंडल बनता है, ओरा बनता है। यदि हम अपने आभा मंडल के अंदर रंगों के माध्यम से परिवर्तन करना शुरू करते हैं, तो हमारे भावों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और प्रेक्षा ध्यान की एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति के अंदर रंगों के ऊपर ध्यान करके ओरा में परिवर्तन लाया जाता है। वे रंग शरीर पर भी ध्यान किए जाते हैं, वे चैतन्य केंद्रों पर भी ध्यान किए जाते हैं। चैतन्य केंद्रों के ऊपर जब रंगों की प्रेक्षा की जाती है, तो चैतन्य केंद्रों में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और रंग विशेष के साथ जब ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, तो वह अपना अलग ही प्रभाव दिखाता है। और अनुप्रेक्षा का प्रयोग अपने आप में कंटेम्पलेशन का प्रयोग, भावना का प्रयोग है, चिंतन का प्रयोग है। अंतर मन के साथ संपर्क स्थापित करके जब बार बार एक भाव को, एक विचार को अंतर मन को दिया जाता है, तो हमारे संस्कार बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारी आदतें बदलनी शुरू हो जाती हैं, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही यह परिवर्तन घटित होता है, हमारा स्वभाव उस अनुरूप ढलना शुरू हो जाता है जो हम अपने आप में एक आदर्श रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और अब तो हमने प्रेक्षा ध्यान के साथ जो सबसे नया प्रयोग जोड़ा है, वह मंत्रों का प्रयोग। जब ध्वनि का प्रयोग और साथ में जोड़ दिया जाता है, तो हम जानते हैं कि ध्वनि के अंदर एक अपनी ताकत होती है। ध्वनि का एक अपना बहुत बड़ा विज्ञान है। अंतर मनन के साथ संपर्क स्थापित करके चैतन्य केंद्रों के ऊपर ध्यान करते हुए, वहां विभिन्न रंगों का ध्यान करते हुए, जब शब्दों का और शब्दों का वाणी का हम ध्यान और करते हैं, और उस वाणी के प्रयोग से ऊर्जा का वहां और अधिक प्रवाह होता है, तो उसकी शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। और उसका प्रभाव विभिन्न शिविरों के अंदर हमने बिल्कुल सामने देखा है कि जैसे ही इन चारों बातों को मिलाकर प्रयोग शुरू किया, व्यक्ति ने अंदर से स्वस्थ होना प्रारंभ कर दिया। अधिकतर लोग उसको शारीरिक स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं, हम उसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रूप में देखते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य यही है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, चाहे किसी भी प्रकार से स्वस्थ हो। हम मानते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य घटित होगा तो उससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा। लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आते हैं, तो उनसे उनका मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी घटित होना शुरू हो जाता है। प्रारंभ कहीं से भी करें, परिणाम वही है।